बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का बयान आया है। सीपी जोशी ने क्या कुछ बोला है आज के विधायक दल बैठक पर, सुनाते हैं दर्शकों को। दल की बैठक आज है, माननीय पर्यवेक्षक आज पहुंच जाएंगे दिन में, उसके बाद बैठक होगी और शाम को 5 बजे तक सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएगी। 5 बजे ध्यान में आ जाएगा। आप भी बन सकते हैं? नहीं, मैं इस रेस में नहीं हूँ। सीपी जोशी का बड़ा बयान आया है प्रशांत, वह कह रहे हैं कि मैं सीएम रेस में नहीं हूं, सीएम रेस से अपने आप को बाहर कर दिया है। सीपी जोशी ने कहा है कि शाम 5 बजे तक चीजें काफी तरह से क्लियर और स्पष्ट हो जाएंगी। जी बिल्कुल, देखिए आज शाम को जो कहे कि तस्वीरें पूरी तरीके से साफ हो जाएगी, राजस्थान कमान किसके हाथ में सौंपी जाएगी, ये नाम सामने आ जाएगा। क्योंकि कहे कि 3 बजे से 2.5 घंटे तक, 6:30 बजे तक जो है राजनाथ सिंह यहाँ पर रुकेंगे और उस दौरान ये तय कर दिया जाएगा कि राजस्थान की कमान मुख्यमंत्री के रूप में किसको सौंपी जा रही है। तो कहे क्योंकि 7 बजे जो है जयपुर से रवाना होने का राजनाथ का समय रखा गया है, जो राजनाथ सिंह है वो 7 बजे जयपुर से रवाना हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं 6 से 6:30 के बीच में इस बात ये बात बिल्कुल साफ होती नजर आएगी कि राजस्थान में जो है मुख्यमंत्री कौन चुना गया है। मगर सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूं कि जिस तरीके से अन्य 2 राज्यों में भी, फिर कहे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जो है एक अलग नाम, चौंकाने वाला नाम सामने आया, उसी तरीके से राजस्थान में भी अनुमान लगाया जा रहा है कि जो नाम सामने आएगा वो बेहद चौंकाने वाला होगा। मगर तस्वीरें कुछ घंटों का इंतजार और उसके बाद साफ होती नजर आएगी। राजस्थान को आज मुख्यमंत्री मिलने की पूरी संभावना है। जी बिल्कुल, और कौन कौन नाम अभी इस वक्त चल रहे हैं, अभी आगे कौन माना जा रहा है, पीछे कौन हो गया है, प्रशांत सूत्र आपको क्या बता रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए वसुंधरा राजे का भी नाम सीधे तौर से यहाँ नजर आ रहा था और इसीलिए जो है इस बार पूरे दमखम के साथ वसुंधरा राजे भी जो है कोशिश करती नजर आ रही है, लगातार विधायकों से जो है मुलाकात कर रही है। इस समय भी जो है वसुंधरा राजे के घर पर भारी संख्या में जो कहे कई विधायक है वो लगातार पहुंच रहे हैं और कहीं की एक तरीके से जो वरिष्ठ विधायक है वो पहुंच रहे हैं। फिर जिनमें नामों की अगर बात करें तो मालवीय नगर से जो कालीचरण सराफ है, प्रताप सिंह भी है, बाबू सिंह राठौड़ है, जसवंत यादव है, पूर्व विधायक अशोक परनामी है, राजपाल सिंह शेखावत है, प्रहलाद गुंजन है, वो लगातार जो है वसुंधरा राजे के बंगले पर पहुंच रहे हैं और मुलाकातों का जो दौर है वो लगातार जारी है। कल भी वसुंधरा राजे ने इन सभी से जो है मुलाकात की थी। गोपाल शर्मा एक सिविल लाइन से जो है इस बार चुनकर भाजपा के विधायक चुने गए हैं, सिविल लाइन से पहली बार जो है विधायक बने हैं, मगर जो है कहे कि संघ से पहले से जुड़ाव रहा है, तो यहाँ पर वो भी अभी कुछ देर पहले वसुंधरा राजे से मिलने पहुंचे थे और मिलकर जो है यहाँ से निकल चुके हैं। अगर सीएम रेस की, सीएम दौड़ जो है, सीएम की रेस में किस किस का नाम है उसकी अगर बात करें तो कई नाम है। फिर कहे सबसे पहले वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत, अश्विनी वैष्णव, अर्जुन राम मेघवाल, दिया कुमारी, किरोड़ी लाल मीणा, ओम बिरला, ओम माथुर, बालकनाथ, ऐसे कई जो नाम है जिन पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार राजस्थान की कमान इनको संभालने के लिए दी जाएगी। मगर जो है वसुंधरा राजे लगातार जो है जब से पूर्ण बहुमत, कहे कि आज 9वां दिन है जब बीजेपी राजस्थान में पूर्ण बहुमत के साथ चुनकर आई, जब से लगातार प्रयास कर रही है कि मुख्यमंत्री की जो जिम्मेदारी है वो इस बार भी वसुंधरा राजे को सौंपी जाए। मगर शाम को कहे कि आज ये तस्वीर साफ होती नजर आएगी कि किसे राजस्थान का जो है मुख्यमंत्री चुना गया है। तो हलचल बढ़ गई है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के आवास पर, प्रशांत वहां मौजूद हैं। प्रशांत हम आपके पास वापस लौटेंगे, मगर इस वक्त सीधा रुख हम बीजेपी दफ्तर का भी करना चाहेंगे। बीजेपी कार्यालय जयपुर में क्या कुछ हलचल है, सीधा अक्षय जायसवाल के पास चलते हैं। अक्षय, वहां क्या कुछ हो रहा है इस वक्त? बीजेपी ऑफिस जयपुर में शायद सीपी जोशी पहुंच गए हैं, सीपी जोशी का बयान भी आया है सामने, क्या कुछ कह रहे हैं वह अक्षय? जी देखिए, भाजपा प्रदेश कार्यालय में शाम 4 बजे विधायक दल की बैठक होनी है और विधायकों का आना शुरू हो चुका है। गुरमीत सिंह बरार है और मदन दिलावर है, वासुदेव देवनानी है, कई जो विधायक है वो यहाँ अंदर आ चुके हैं और पूरी तैयारी है, वो पूरी तैयारी कर चुके हैं। दो दिन से चल रही है भाजपा प्रदेश कार्यालय में। अभी कुछ ही देर पहले राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह आए हैं, सीपी जोशी आए हैं, यानी कि तमाम जो प्रदेश के बड़े चेहरे थे, बड़े जो नेता थे, वो अंदर पहुंच चुके हैं और अंदर का जायजा ले रहे हैं, क्योंकि दोपहर में सभी विधायकों का यहाँ पर भोजन होगा। राजस्थानी खाना जो है, स्पेशल जो व्यंजन है वो बनवाए गए हैं। शाम 4:30 बजे माना जा रहा है कि विधायक दल की बैठक होनी है। 3 बजे तक जो तीनों जो ऑब्जर्वर है वो यहाँ पर आते हुए नजर आएंगे। जो लोग तैयारियाँ कर रहे थे प्रदेश कार्यालय में,
पिछले कई दिनों से विधायक दल की बैठक को लेकर किस तरीके से देखते हैं, क्या कुछ तैयारियां हो चुकी है? सभी तैयारियां पूर्ण हैं, बस उनका इंतजार है। सर्वप्रथम राजस्थान की इस वीर धरा पर माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का, सरोज पांडेय जी का और विनोद तावड़े जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। सभी तैयारियाँ पूर्ण हैं, आप देख सकते हैं विधायकों का आना भी शुरू हो गया है, कुछ ही समय पश्चात मीटिंग शुरू होगी। दिन में खाने का भी प्रोग्राम है सभी विधायकों का, क्या लजीज व्यंजन है, क्योंकि राजस्थान खाने के मामले में सबसे पहले देखने को मिलता है, अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन देखने को मिलते हैं, क्या कुछ खाने की व्यवस्था है? बहुत बढ़िया स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था की गई है सभी के लिए और एक छोटा सा सरप्राइज रखा गया है, तो जैसे ही सब आएंगे तब उनको पता चलेगा। मुख्यमंत्री के नाम के ऊपर सस्पेंस बना हुआ है, जिस तरीके से दो राज्यों में जो चौंकाने वाले नाम देखने को मिले, क्या राजस्थान में भी चौंकाने वाला नाम होगा? देखिए सभी अभी थोड़े ही समय में आपके सामने होगा सब कुछ, अभी जिस तरह से माननीय राजनाथ सिंह जी बता रहे हैं। जी अक्षय, तो आप जिनसे बातचीत कर रहे थे वह कह रहे हैं कि भोजन में सरप्राइज है, अब बड़ा सवाल यह है क्या मुख्यमंत्री चॉइस में भी सरप्राइज होगा या नहीं? थोड़ा पैन करके दिखाएं, मैं लग रहा है कि काफी सजावट है वहां, सुरक्षा भी बढ़ाई गई है, थोड़ा पैन करके अपने कैमरामैन को बताएं कि थोड़ा दिखाएं, थोड़ा बताएं कि क्या कुछ चल रहा है वहां, हम देख पा रहे हैं पीछे काफी हलचल है। दिखाऊंगा मैं इस वक्त प्रदेश कार्यालय के बाहर ही मौजूद हूँ, किस तरीके से जो सजावट है प्रदेश कार्यालय की वो यहाँ पर की गई है, पूरा चकाचौंध देखने को मिल रहा है भाजपा प्रदेश कार्यालय। अगर पुलिस बल की बात करूँ तो दो दिन से यहाँ पर जो पुलिस बल है वो यहाँ पर तैनात देखने को मिला था, लेकिन आज जो है पुलिस ने जो यहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दी है ताकि कोई हानि ना हो। और देख सकते हैं कितना बीजेपी मैं जो हुआ हुआ है भाजपा प्रदेश कार्यालय, बड़ा ही सुंदर तरीके से फूलों से अन्य जो सामग्री होती है सजावट की उससे सजाया गया है, पुलिस बल पूरी तरीके से तैनात है, आपको तस्वीरें में देखने को मिलेगा। जिस तरीके से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चौंकाने वाला जो नाम है मुख्यमंत्री का देखने को मिला, राजस्थान में भी जो है चौंकाने वाला राजेंद्र राठौर का भी बयान आ रहा है, राजेंद्र राठौर का भी बयान आ रहा है, पूर्व नेता प्रतिपक्ष क्या कुछ कह रहे हैं मीडिया से, राजेंद्र राठौर का बयान सुनाते हैं। भावनाओं का खेल है, परंतु ये बात सही है कि विधायक दल आज साय 4 बजे तय करेगा राजस्थान किसके हाथ में होगा, और इसका निर्णय करेंगे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, जिनके चेहरे पर, जिनके नाम पर, जिनके नीतियों के आधार पर राजस्थान की जनता ने डबल इंजन की सरकार को जनादेश दिया है। और मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर आज का दिन राजस्थान के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन है, लोकतंत्र के उत्सव के बाद नई सरकार का जन्म लेना, आकार होना, यह हम सब के लिए सुखद होगा। वापस अक्षय जायसवाल के पास लौटते हैं। अक्षय, पर्यवेक्षक जो हैं, माना यह जा रहा है कि 11:45 के आसपास पहुंचेंगे जयपुर, उसके बाद उनका कार्यक्रम क्या कुछ रहेगा? जी देखिए, पर्यवेक्षक आ जाएंगे 3 बजे तक भाजपा प्रदेश कार्यालय, उससे पहले जो सभी जो 115 विधायक हैं उनका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा, फिर उनका यहाँ पर जो दिन में लंच का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर रखा गया है। शाम 4:30 बजे, वैसे भाजपा प्रदेश कार्यालय की ओर से 4 बजे विधायक दल की बैठक का समय दिया गया है, लेकिन 4:30 से 5 बजे तक जो है बैठक है वो शुरू हो जाएगी। लगभग 1 घंटे का जो समय है विधायक दल की बैठक में लगेगा, 1 से 2 घंटे का, वो शाम को 4:30 बजे से शुरू होती हुई नजर आएगी। लेकिन आने वाली सरकार के लिए चुनौतियां बहुत है, जिस तरीके से प्रदेश में पिछले जब कांग्रेस सरकार थी, जिस तरीके से भाजपा आरोप लगाती रही है, बेरोजगारी भत्ता हुआ, चाहे किसान कर्जा माफी हुई, चाहे पेपर लीक हुआ, आने जब ये सरकार बनेगी तो उनके ऊपर काफी काम का जो लोड है वो देखने को मिलेगा, कई जो काम है वो यहाँ पर करने होंगे राजस्थान की जनता के लिए। तो मान सकते हैं आज का दिन जो है प्रदेश की जनता के लिए सस्पेंस का दिन है, आखिर शाम को ही पता पड़ेगा कि आखिरकार राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.